एपिसोड 49 से पहले सारे एपिसोड फालतू हैं। असली कहानी शुरू होती है एपिसोड 49 से, जहां एक टॉयलेट अपने कैमरामैन का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी टाइटन टीवी मैन मसीहा बन के आता है और इस टॉयलेट का खोपड़ा फोड़ देता है। अंगूठा दिखाते ही कोई इसके ऊपर हमला कर देता है और वो कोई और नहीं टाइटन स्पीकर मैन होता है, जिसके बाद टाइटन टीवी मैन अपना हुक इस्तेमाल करता है और टाइटन स्पीकर मैन को नीचे पटक देता है, फिर एक विक्ट्री पोज मार के। अगले एपिसोड में वो टाइटन स्पीकर मैन का पैरासाइट निकाल देता है और निकालते ही ये पैरासाइट कैमरा मैन की तरफ भागता है, लेकिन टाइटन स्पीकर मैन उसे उड़ा देता है, जिसके बाद टाइटन टीवी मैन टाइटन स्पीकर मैन को उठाता है और फिर टाइटन स्पीकर मैन सीधा। फिर एपिसोड 51 में कुछ टॉयलेट्स अंधाधुंध हमला कर रहे होते हैं, लेकिन तभी टाइटन कैमरामैन की एंट्री होती है और वो एक एक करके इन टॉयलेट्स को इनकी औकात दिखा देता है, और इतना ही नहीं एक टॉयलेट की तो कैनन तोड़ के उसी के सर में घुसेड़ देता है, जिसके बाद वो उड़ के अगले एपिसोड में एक सीक्रेट बेस में आ जाता है, जहां एक नया हथियार टाइटन कैमरामैन का इंतजार कर रहा है। टाइटन कैमरामैन अपनी नई बंदूक को टेस्ट करता है और कसम से ये बात तो माननी पड़ेगी, विरलंस की सीरीज में जो साउंड इफेक्ट इस्तेमाल करे हैं बहुत ही ज्यादा औसम है। एपिसोड 53 में हमें नजर आता है जी मैन टॉयलेट, जो कि कुछ ज्यादा ही अपग्रेडेड नजर आ रहा है। एक टीवी मैन आके हमारे पीओवी कैमरामैन को लड़ाई के बीच से उठा के बिल्डिंग के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है, जहां से हम देख सकते हैं कि टाइटन टीवी मैन जी मैन टॉयलेट की तरफ किसी गैंगस्टर की तरह बढ़ता ही जा रहा है। और तभी जी मैन टॉयलेट एक रेलगन निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो फायर करता, राइट साइड से टाइटन कैमरामैन अपनी नई कैनन से उसके ऊपर हमला कर देता है और अपने हथौड़े से उसके सर पर पटक कर मारता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी मैन टॉयलेट को कुछ नहीं होता और वो पीछे से हमला कर देता है। एपिसोड 54 में हम देखते हैं कि टाइटन कैमरामैन घायल हो चुका है, जिसे रेस्क्यू करने के लिए दो टाइटन टीवी मैन आ जाते हैं, और यहां हम नोटिस करते हैं कि इस यूनिवर्स में टाइटन कैमरामैन कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जिसके बाद हमें सीक्रेट फैसिलिटी का नजारा देखने को मिलता है, जहां हम देखते हैं एक न्यू कैरेक्टर को जिसका नाम है ट्राई टाइटन, एक ऐसा दानव जिसके पास इन तीनों की शक्तियां हैं और देखने में तो पैसिफिक रिम के काइजो जैसा दिख रहा है। और अगले एपिसोड में टाइटन स्पीकर मैन और टाइटन टीवी मैन लड़ते हुए घायल हो जाते हैं, लेकिन ट्री टाइटन लिटरली टॉयलेट्स को पटक पटक के मारता है और काम खत्म होते ही एपिसोड 56 में एक टीवी मैन के ऊपर टॉयलेट आर्मी अपना हथियार टेस्ट करती है, जिससे एक पैरासाइट निकल के उसे कंट्रोल कर लेता है, जिसके अगले एपिसोड में एक टॉयलेट एक कैमरामैन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ट्राई टाइटन आ जाता है और ये टॉयलेट उस कैमरामैन को नीचे उतार के उसके सर को सहलाता है, लेकिन ट्राई टाइटन किसी को नहीं बख्शता और कर देता है फायर, जिसके बाद ये दो तीन और एनिमी यूनिट्स को ठिकाने लगाता है। और एपिसोड 58 में जी मैन टॉयलेट दो कैमरामैन का पीछा कर रहा होता है, तभी एंट्री होती है ट्राई टाइटन की और आते ही जी मैन टॉयलेट के फ्लाइंग किक बजा देता है। ये लड़ाई अगले एपिसोड तक चलती है, जहां ट्राई टाइटन टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके जी टॉयलेट को ठिकाने लगाता है और अपनी स्क्रीन से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है। एपिसोड 60 में हमें जी टॉयलेट की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिसको एक इविल टीवी मैन आके अपने साथ ले जा लेता है। फिर हम देखते हैं कि हीरोज के सीक्रेट बेस पर हमला हो चुका है और विलेन के पास भी एक नया कैरेक्टर आ चुका है, जिसका नाम है टॉयलेट एम्परर। एपिसोड 61 में टॉयलेट एम्परर टाइटन स्पीकरमैन को काफी डैमेज कर देता है और उससे लड़ने के लिए ट्राई टाइटन को बुलाने की रिक्वेस्ट भेज दी जाती है, जिसके बाद अगले एपिसोड में टॉयलेट एम्परर हर चीज को तहस नहस कर रहा होता है और पीओवी कैमरामैन को रेस्क्यू करके वापस ले जाते समय टॉयलेट एम्परर उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर ट्राई टाइटन आकर उन्हें बचा लेता है और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एक टॉयलेट हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है और हमारी स्क्वाड नीचे गिरने लगती है। एपिसोड 63 में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन पीओवी कैमरामैन सही सलामत है और बैकअप के लिए टीवी रेस भी आ चुकी है, लेकिन एक दिक्कत है, एक ड्रिलर मशीन भी आ गई है। और अगले एपिसोड में दिखाया जाता है एक डिफेंस बेस जिसके आसपास कोई भी टॉयलेट आ ही नहीं सकता और साथ में जी फोर्स भी साथ देने के लिए आ चुकी है एक पुराने दोस्त के साथ। एपिसोड 65 में MTIE जी फोर्स के टैंक पर हमला कर देता है और दूसरा टाइटन टीवी मैन उससे लड़ने की
की कोशिश करता है लेकिन पिट जाता है बेचारा। फिर आता है ट्राई टाइटन और ये उसे देखकर हो जाता है फरार। एपिसोड 66 में इंट्रोड्यूस होता है एक नया टॉयलेट जिसका नाम है फैंटम टॉयलेट। इसके पास सुपर स्पीड है और ये टीवी रेस की तरह ही लाइट एबिलिटीज पजेस करता है। खैर टाइटन टीवी मैन हाजिर हो जाता है और टीवी वुमन कैमरामैन को बचा लेती है, जिसके बाद एपिसोड 67 में टाइटन टीवी मैन और फैंटम टॉयलेट की लड़ाई होती है जिसमें अनफॉर्चुनेटली टाइटन टीवी मैन हार जाता है और फैंटम टॉयलेट टाइटन टीवी मैन की बॉडी को पजेस कर लेता है। अगले एपिसोड में करप्टेड टीवी टाइटन हमला करना शुरू कर देता है। टाइटन स्पीकर मैन डिफेंस के लिए आता है लेकिन वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मारूं किधर। फिर हम देखते हैं कि ट्राई टाइटन अपग्रेड हो रहा है और टाइटन कैमरामैन को बुलाने की रिक्वेस्ट भेजी गई है, जिसके बाद एपिसोड 69 में पहले करप्टेड टीवी टाइटन और टाइटन स्पीकर मैन की लड़ाई होती है जिसमें टाइटन स्पीकर मैन घायल हो जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है टाइटन कैमरामैन की जो करप्टेड टीवी टाइटन को पटक पटक के उसका भूत उतार देता है और फैंटम टॉयलेट बच के भाग जाता है। जिसके बाद एपिसोड 70 में कैमरा ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं और हम सभी टाइटन्स को एक्शन में देख सकते हैं, साथ ही ट्राई टाइटन का अपग्रेड पूरा हो चुका है। अगले एपिसोड में MTI ड्रिलर मशीन टाइटन कैमरामैन पर हमला कर देती है जिसको रोकने के लिए ट्राई टाइटन को हेल्प करनी पड़ती है और उस MTI ड्रिलर को पटक के फोड़ देता है। सभी टॉयलेट्स ट्राई टाइटन के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन हमारे टाइटन को एक खरोच तक नहीं आती। इवन इसको खुद कुछ करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अब इसके पास है ट्राई ड्रोन जो कि आसानी से इन टॉयलेट्स को ठिकाने लगा देता है और फिर ये दोनों टाइटन बाय बाय हो जाते हैं। एपिसोड 72 में टाइटन स्पीकर मैन एक टॉयलेट को खत्म करता ही है कि तभी वहाँ टॉयलेट एम्परर आ जाता है और इशारा करता है कि तुम सब हारने वाले हो, और दूसरी तरफ होती है हमारे टाइटन्स की टीम। अगले एपिसोड में टॉयलेट एम्परर टाइटन स्पीकर मैन के ऊपर हमला करके उसका जेट पैक तोड़ देता है और तभी उसके खोपड़े पर लगता है टाइटन कैमरामैन का उड़ता हुआ हथौड़ा, लेकिन उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा ये वापस मुक्का मार देता है। टाइटन कैमरामैन उसे फिर से मारने जाता है लेकिन टॉयलेट एम्परर उसे घायल कर देता है। फिर फाइनली ट्राई टाइटन लड़ाई के मैदान में उतरता है और होती है जंग जिसमें कभी कोई लेजर से हमला करता है तो कोई तलवार से, जिसके बाद ट्राई टाइटन अपनी टीवी एबिलिटीज यूज करता है और टॉयलेट एम्परर भाग जाता है। अगले एपिसोड में टाइटन स्पीकर मैन का जेट पैक वापस मिल जाता है और वापसी होती है टाइटन टीवी मैन की जो कि अपने साथ एक और दोस्त को लाया है, प्लंजर टीवी मैन। एपिसोड 75 में एक और नया विलेन आता है, टॉयलेट निक्रोमैंसर, जो मरे हुए टॉयलेट्स को जिंदा करके अपनी आर्मी बना सकता है और सिर्फ टॉयलेट्स ही नहीं ये मरे हुए हीरोज को भी जिंदा करके अपनी आर्मी का हिस्सा बना सकता है। खैर प्लंजर टीवी मैन इस विलेन को काफी अच्छी टक्कर देता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि निक्रोमैंसर ने अंडेड्स की आर्मी बनानी शुरू कर दी है, लेकिन हीरोज के पास भी कुछ नया है, ये ट्राई सोल्जर्स एंड वेल। एपिसोड 77 में हमें दिखता है इन अंडेड्स का कहर और साथ में इन ट्राई सोल्जर्स की ऑसम कैपेबिलिटीज, जिसके बाद अगले एपिसोड में अंडेड की आर्मी के अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ टीवी टाइटन नेक्रोमैंसर को रोकने आता है लेकिन ये टीवी टाइटन को नीचे गिरा के उसे जान से मार देता है, जिसके बाद ये अपनी आत्मा को टीवी टाइटन के शरीर में डाल देता है, जिसके 30 दिन बाद एपिसोड 79 में नेक्रोमैंसर टॉयलेट ने अपनी बॉडी को बहुत एनहांस कर दिया है और हीरोज की टीम में एक न्यू रेस है माइक्रोफोन रेस जिन्होंने मिलकर बनाया सोनार टाइटन, जो कि एपिसोड 80 में बहुत ब्रूटली एक टॉयलेट का जबड़ा तोड़ता है और फिर सोनार सिस्टम का इस्तेमाल करके इस टॉयलेट को भी मार देता है। जिसके बाद अगले एपिसोड में क्या हुआ वो मैं नहीं बताने वाला, आज के लिए इतना काफी है। अब आगे की स्टोरी पार्ट 2 में बताऊंगा, जिसके लिए इस वीडियो में 777 लाइक्स होने चाहिए क्योंकि एंड बाय द वे मेरे एक करीबी दोस्त ने एक एनालिसिस चैनल खोला है जहां वो स्किबिडी टॉयलेट से रिलेटेड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड करेगा, तो डिस्क्रिप्शन या फिर पिंड कमेंट की पहली लिंक पर क्लिक करके उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।